भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर खट्टर सरकार को जमकर घेरा और सरकार की विफलता के पुख्ता सबूत जनता के सामने पेश किए। आपको बता दें कि हरियाणा में तो मानो अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ करने में पेपर लीक होने वाला मामला मानो आम बात हो गई है। अभी ताजे मामले की बात करें तो ग्रुप डी के 13,536 पदों के लिए 21 और 22 अक्टूबर को जिन परीक्षार्थियों ने बहुत मेहनत से आवेदन किया था और पूरी तैयारी के साथ पेपर देने का मन बना रखा था, उनकी संख्या करीब 13 लाख थी, जिनमें 10,86,707 परीक्षार्थियों ने प्रवेश पत्र तक डाउनलोड कर लिए थे और तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा भी दी थी। लेकिन इन सभी परीक्षार्थियों की मेहनत पर तब पानी फिर जाता है जब उन्हें हर बार की भांति फिर से पेपर लीक होने के मामले का पता चलता है। और वहीं दूसरी ओर जब सरकार से इस बाबत सवाल किया जाता है तो वो जांच का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खट्टर सरकार को जमकर घेरा और सरकार की नाकामियों का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने खोलकर रख दिया। 30 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, ये किस्म से इन्होंने धंधा बना लिया। पेपर लीक देखो, ये SCS 2023, CET 2023, SI भर्ती मार्च 2022, डेंटल सर्जन दिसंबर 2021, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021, ग्राम सचिव भर्ती 2021, क्लर्क भर्ती पेपर लीक दिसंबर 2016, क्लर्क का भर्ती बिजली विभाग, एक्साइज इंस्पेक्टर और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, आगे कंडक्टर की भर्ती, ITI इंस्पेक्टर की भर्ती, आबकारी इंस्पेक्टर पेपर लीक, नायब तहसीलदार की भर्ती, PTI भर्ती, STET पेपर लीक, केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राइमरी टीचर पेपर लीक हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज पेपर भर्ती का घोटाला, बी फार्मेसी और ग्रुप डी के CET का पेपर लीक हुआ। तो पेपर लीक ये होते हैं और ये एक बड़ा भारी स्कैंडल है पेपर लीक का। ये रिपीट करते हैं साथ क्वेश्चन, जिसको भर्ती करना होता है उसको बता देते हैं पेपर। और यही कारण है कि मैंने 100 HCS की जगह नहीं ली थी, 61 इंटरव्यू बुलाए और उसमें से भी एक ही सीरीज के, 40 से ज्यादा मेरे ख्याल एक ही सीरीज के थे। तो पेपर लीक की मेहरबानी है। अब ये समझ में नहीं आता, एक तरफ से कहते हैं शिक्षा में हम आगे हैं और HCS क्वालिफाई नहीं कर पाते, जो कि हमारे बच्चे हैं UPSC के टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं, HCS में नहीं कर पाते। कितने ही ऐसे आपको उदाहरण बता सकते हैं जो हमारे हरियाणा के बच्चे नहीं लगे, SDO थे बिजली बोर्ड में, इस तरह कितने ही बच्चे हैं जहाँ बाहर के ज्यादा लगते हैं। इसका मतलब क्या है, या तो घोटाला है या तो पर्चा लीक करने का खर्चा है इनका। पर्चा खर्चा की सरकार चल रही है, खर्चा प्रचार की सरकार चल रही है और यही कारण है कि हमारे बच्चे रह जाते हैं, क्योंकि बाहर लीक करना आसान है। ये इसकी CBI जांच कर चुके, आप देख लें, चाहे HCS की बात हो, वहाँ करोड़ों रुपए पकड़े गए। सबॉर्डिनेट सर्विसेज में भी यही मामला है, कितने हुए। तो ये आज बेरोजगार जो अपने युवा पीढ़ी के साथ बड़ी भारी खिलवाड़ है और ये जो रोजगार कौशल योजना जो लगाया है ये उससे बड़ा खिलवाड़ है। ना पक्की नौकरी मिलती है, ना उसकी पेंशन होगी जैसे अग्निपथ है, और 2 लाख से ज्यादा सैंक्शनड पोस्ट आज खाली है प्रदेश में। तो सुना आपने कि सरकार जनता के प्रति कितनी संवेदनशील है और उसे अपने युवाओं की कितनी फिक्र है। ये खुलासा सीधा सीधा उन अधिकारियों और नेताओं के मुंह पर तमाचा है जो कि युवाओं और भोली भाली जनता के साथ खिलवाड़ करने से कोई भी परहेज नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा, चंडीगढ़।